यूपी में होली और शबे बारात को लेकर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अवनीश अवस्थी ने दिए अधिकारियों को दिशा निर्देश, शांति सुरक्षा की कही बात। स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश से मुलाकात, करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, 2027 की लड़ाई में देंगे बड़ा संदेश। द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर मचा बवाल, सिनेमा हॉल पहुंचा राष्ट्रीय हिंदू परिषद, सिनेमा हॉल को किया आग के हवाले। यूपी चुनाव में हार के बाद जयंत चौधरी का बड़ा फैसला, जयंत चौधरी ने जारी किया निर्देश, आरएलडी की सभी इकाइयों को भंग करने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टर्स के अभाव में दम तोड़ते हैं ये तो सुना था, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं ये पहली बार शायद देखने के लिए मिल रहा है। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, जहां 12 डॉक्टर्स ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढता फिर रहा है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को लेटर भी लिखा गया, इनकी खोजबीन करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, साथ ही इन्हें अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टर्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने प्रदेश के किसी भी सीएससी सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है और वो तब से अब तक गायब हैं। ऐसे में इन डॉक्टर्स की खोजबीन भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही इस पूरे मामले में अब तक कोई भी डॉक्टर सामने आया है जिसने अपनी समस्या बताई हो या ये बताया हो कि आखिर उसने ज्वाइनिंग क्यों नहीं की या फिर बॉन्ड का पालन क्यों नहीं किया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भगवान, श्रीनगर अस्पताल का ये पूरा मामला है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पतालों में, बॉन्ड नहीं भर रहे हैं, बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं होंगे तो आम जनता को तो समस्या लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं, ये श्रीनगर विधानसभा एक वीआईपी क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र के लिए अगर मैं बात करें, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी है धन सिंह रावत, और धन सिंह रावत के क्षेत्र में अगर डॉक्टरों का अभाव कम है तो कहीं ना कहीं अब ये होगा कि, क्योंकि आज मैं बता दूं, मैं उनसे बात करने की तैयारी में, लेकिन शोर शराबा के कारण से उनसे बात नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं उनको भी जरूर लाइव में लेता, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीनगर में अगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा धन सिंह रावत से लाइव टू लाइव बात करते करने के लिए कि धन सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र में जो श्रीनगर में 12 डॉक्टर जो लापता वहां पे अभी ड्यूटी पे नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लगता है कि धन सिंह रावत की विधानसभा में अगर ये हाल है तो आम जनता के क्षेत्र में क्या हाल होगा। राजू, मैं फिर भी अभी धन सिंह रावत जी से बात करूंगा और लाइव में उनको स्वयं खुद लाइव लेऊंगा उनसे धन सिंह रावत को, क्योंकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र तो नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है जिस वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है हमारे सहयोगी से, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि धन सिंह रावत की विधानसभा है और यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि अस्पतालों में जाकर अपनी मेडिकल सुविधाएं दे रहा हो। एक लिस्ट भी जारी की गई है, लेकिन लिस्ट जारी करने के बावजूद भी कोई डॉक्टर सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में वहाँ की जो सीएमएस है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा वो भी सुनते हैं। ऐसा है कि हमारे पास जो है डीजी हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आपके यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग पीजी करने चले गए थे, तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी कि जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित डीएम के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब दो विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्तार बिश द्वारा जो है 33,24,300 जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं।
भगवान सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां की क्या समस्या है, क्या ये पूरा मामला है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से भगवान सिंह का हम रुख करेंगे। जरूर इस टीम में मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उनके पास पहुंचूं और धन सिंह रावत जी के जो भी सवाल के जो क्वेश्चन होंगे वो दर्शकों को लाइव न्यूज वर्ल्ड इंडिया दे रहा है। तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जी के मैं इस संबंध में बिल्कुल काजल अभी आप दर्शकों में यही कहूंगा कि धन सिंह रावत जी की क्षेत्र में अगर डॉक्टरों की कमी है, ये तमाम जो भी कमियां हैं, क्या धन सिंह रावत अगर ना बनते अब यहाँ पे मंत्री बनते या मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी बनते हैं, क्या किस तरह से उनका जनता के साथ अभाव रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा धन सिंह रावत जी के पास पहुंचने के लिए, लेकिन कोशिश फिर भी मेरी कायम रहेगी। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं धन सिंह रावत जी के साथ साथ ही काफी काफिला निकल रहा है और यहाँ पे लोगों से बिल्कुल काजल में धन सिंह रावत जी के पास पहुंच रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को जरूर एक चीज कहूंगा कि धन सिंह रावत जी वो है तो धन सिंह रावत जी लाइव पूरे करेंगे। धन सिंह रावत जी आज आप लाइव में जुड़े हैं न्यूज वर्ल्ड की तरफ से, जैसे कि डॉक्टरों के अभाव का, तो क्या कहेंगे जनता से? देखिए, मैं सबसे पहले उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मोदी जी को अपार समर्थन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया है और आज मैं अपने क्षेत्र में सबका धन्यवाद देने आ रखा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि हम एक अच्छी सरकार देंगे और जितने विकास काम छूटे उनको पूरा करेंगे। धन सिंह रावत जी, जैसे कि डॉक्टरों की बाहर डॉक्टर कमी है, क्या आप अब दोबारा डॉक्टरों की नियुक्ति है जल्द जल्द कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे जिससे पूर्ति होगी? देखिए, पूरे उत्तराखंड में 2700 डॉक्टरों की हमने नियुक्तियां की है और अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं डॉक्टरों की कमी होगी। अगर कहीं सर्जनों की कमी होगी तो उनको पूरा करेंगे। धन सिंह रावत जी, जिस तरह से तमाम सभी दिग्गज नेता दिल्ली में डटे हैं, लेकिन आप उन नेताओं में से जिनके लिए मुख्यमंत्री का चयन आपके लिए नाम है, लेकिन आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपना जनता के साथ क्यों करें, लेकिन दिल्ली क्यों नहीं गए? देखिए, मैं जिस जनता ने मुझे चुनाव जिता के यहाँ से भेजा है, मैं उस जनता का आज आभार व्यक्त करने आ रखा हूँ। और मैं 3 दिन से लगातार क्षेत्र में, और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको भी नेता घोषित करेगा हम सब उसके साथ साथ खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जी का साफ कहना है कि मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन ऐसे नेता को अगर ना जो क्षेत्र में जहां चुनाव जीतने के बाद तमाम नेता दिल्ली में डटे हैं और उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपनी विधानसभा श्रीनगर के पावो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से साफ जाहिर करता है कि धन सिंह रावत जी का मुख्यमंत्री के लिए नहीं, उनकी अपनी जनता के लिए है। और मैं इस समय न्यूज वर्ल्ड की तरफ से उनको भी बधाई देता हूँ कि लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा कि धन सिंह रावत जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो सबसे पहले क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? धन सिंह रावत जी, अगर आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, जनता बने कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री के दौर में कहीं भी जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का विधायक हूँ और 11,000 करोड़ के काम मैंने यहाँ किए हैं, अब विकास में और सब रफ्तार दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो धन सिंह रावत जी ने साफ कहना है कि मैं मुख्यमंत्री के दौर में नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ मैं बता दूँ अगले तथ्य को भी, ये भी कहूँ कि जो भी समस्या होगी धन सिंह रावत जी ने जो भी जवाब दिया है, यह कहीं ना कहीं इसका लगना है कि क्या अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तमाम जनता को आप यहाँ पे धन सिंह रावत जी के लिए महिलाएं तमाम माता शक्ति यहाँ पे अपने फूल माला देके अपने नेता को एक बार देखने के लिए, कहीं ना कहीं नेता को देखने के लिए आप यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे तमाम महिलाएं से लेके और तमाम सभी लोग यहाँ पे धन सिंह रावत को देखने के लिए, अपनी झलक पाने के लिए, क्योंकि कहता रहता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अगर न मनाया जाता है तो धन सिंह रावत को क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता, और मैं यहाँ पे कुछ ये लो, आप कहाँ से आए हो? अच्छा, पावो से आप सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, क्या कमी है जो धन सिंह रावत जी से आप कहेंगे कुछ क्षेत्र का विकास करे? बहुत बड़े काम किए उन्होंने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में टावरों का विकास किया और पुलों का विकास किया, बहुत सारे काम किए। खेला भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में, और इस समय विकास की लहर, विकास पुरुष डॉक्टर धन सिंह रावत एक अकेला जुझारू कर्मठ युवा और आने वाले हमारे प्रधानमंत्री
लेकिन कमी जैसे कि श्रीनगर अस्पताल जो बड़ा कॉलेज वहाँ पे 12 डॉक्टर लापता है, क्योंकि धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे तुम डॉक्टरों को क्यों नहीं पूछती होती है? देखो जी, ये फर्जी पावड़ा है, हम कांग्रेस वाली लॉबी बात नहीं करते। हमने विकास के साथ वहाँ पे डॉक्टर भी दिए है और डॉक्टर पीएचडी वाले दिए है, हमारा मंत्री खुद पीएचडी है सर। तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए मुख्यमंत्री 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 बनने के लिए आग्रह देखा जा रहा है कि दिल्ली में डटे हैं नेता, लेकिन धन सिंह रावत गृह क्षेत्र में क्यों है? सर, हमारे मंत्री जी को क्यों बोला जाता है हेडपंप? जितना वो जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे जुड़े हैं सर, इसलिए उनको हमारे मंत्री को मुख्यमंत्री के तौर में रखा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज जो डॉक्टरों को यहाँ दो बार धन सिंह रावत का स्वागत किया जा रहा है, तो इससे जनता को कितना फायदा मिलेगा आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि मुख्यमंत्री के भी भगवान सिंह देखिए मीटिंग से मीटिंग दिया जा रही है, तो कितना फायदा मिलेगा? यहाँ इतना विकास हो गया है और विकास की लहर है, इसीलिए तो हम जीते हैं। बाकी कोई क्यों हारे है? पूरे प्रदेश में क्यों कांग्रेस आगे नहीं आई? मैं बोलता हूँ आने वाले समय में यहाँ सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाएगा हमारे उत्तराखंड को जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरे साथ धन्यवाद धन सिंह रावत जी है यहाँ पे, तो आज उनका स्वागत किया जा रहा है, तो क्या कमियां ऐसी रहेगी जो आप पूरी होगी? हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे विकास दर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके हमें आसानी से उसे ऊपर तक कार्य किया है, और हमारी पूरी क्षेत्र जनता को यही उम्मीद है महिला के नाते से डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्या धन सिंह रावत जी को आप कहेंगे इस मामले के संबंध में कि डॉक्टरों की पूर्ति पूरी की जाए? हमारे क्षेत्र में जिस हिसाब से जो खेलों की कमी, हमारे माननीय मंत्री की तरह स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्हें ठीक है, भगवान मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, अच्छी तरह जिले को सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। धन्यवाद दीदी आपका मेरे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन क्या तमाम महिलाएं बुरी है, मैं कुछ और दीदी आप कहां से आए हो और आप क्या संदेश देना चाहते हैं धन सिंह रावत जी के लिए, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है हर जगह? चलिए ठीक है, भगवान शुक्रिया, भगवान सिंह शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और धन सिंह रावत को लाइव हमारे साथ जोड़ने के लिए। और ये है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की ताकत जो दिखती है धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर दिखती है, किस तरह से मेरे सहयोगी ने भाग कर दौड़ कर पूरी मेहनत करके आखिरकार लाइव जो है दर्शकों के सामने धन सिंह रावत को दिखाया, उनसे पूछा कि आखिर समस्या क्यों बनी हुई है। साफ तौर पर यहाँ पर धन सिंह रावत ने कहा कि समस्या जो भी बनी हुई है उनका जल्द ही निवारण किया जाएगा। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम सबसे आगे है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक अलग बात है, वो जो भी है जो नेता घोषित होंगे वो तय किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए आगे काम करते रहेंगे। हालांकि लगातार हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वहां के जो सीएमएस हैं, जो इस अस्पताल के रावत प्राचार्य हैं, उनसे बार बार हम फोन करने की कोशिश करें, लेकिन वो फोन बार बार काट रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी है, धन सिंह रावत को आपने लाइव देख ही लिया है, यहाँ पर खुशी का माहौल है, जीत का जो परचम है वो लहराया जा रहा है, जीत की खुशी में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी जस का तस बना हुआ है कि कहा तो जा रहा है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन वहीं से ही कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक अस्पताल है, अस्पताल में मरीजों के लिए डॉक्टर नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से इस मुद्दे को हम उठाएंगे और इसकी तह तक जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी भगवान सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने धन सिंह रावत को लाइव दिखाया और उनसे सवाल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश शासन ने होली के त्यौहार और शबे बारात पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होलिका दहन, होली और शबे बारात के मद्देनजर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कई जिलों में होली का त्यौहार और शबे बारात एक साथ 19 मार्च को मनाए जाएंगे, इसलिए संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन समिति और शांति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अग्नि सुरक्षा और फायर ब्रिगेड को समुचित स्थानों पर तैनात रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिलों में उपजिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त टीम बनाकर शराब की दुकानों की चेकिंग करें, वहीं जहरीली शराब की बिक्री को हर हाल में रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ से ब्यूरो चीफ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, होली का त्योहार बेहद करीब है और ऐसे में बताया जा रहा है कि शबे बारात भी है उस दिन, तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन तमाम दिशा निर्देश भी लगातार अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार जब भी कोई त्यौहार आता है उसमें अपने मुस्तैदी दिखाने की कोशिश जरूर करता है। अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ जो जब हो जो प्रमुख सचिव हैं उनकी तरफ से पूरी तरीके से जो है कहा गया है कि कल जो है मीटिंग की गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए हैं, जो जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं और जो वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं सभी से मतलब कि एक छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक का एक निर्देश दिया गया था कि सभी लोग एक जो है होलिका दहन को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। एक निर्देश जारी हुआ था कि जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के भी एक भूमिका रखी जाएगी, जो संवेदनशील एरिया माने जाते हैं जहां पर ज्यादा कहा जा सकता है कि इस बार एक साथ दो त्योहार आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ होली है दूसरी तरफ शबे बारात है। अब कहा जा सकता है दो एक प्रशासनिक अमले के लिए डबल चुनौतियां हैं, उसी के साथ अब जब मीटिंग की गई है बैठक की गई उसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी जो हैं अपने जो जिले हैं उनमें जाकर के पूरी तरीके से मुस्तैदी रखें, जिसकी वजह से एक जहां पर संवेदनशील एरिया है जहां पर ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं हो सकता है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर विवाद वगैरह उत्पन्न हो सकता है, उन सभी चीजों को एक तरीके से रखा गया है। वहां पर स्पेशल जो है पुलिस बनाए की टीम बनाई जाएगी और पीएससी बल वगैरह तैनात की जाएगी। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि जो जो शराब है उसकी पाबंदी लगाई गई है पूरी तरीके से, कहा जा सकता है जो जहरीली शराब है उसको कहीं ना कहीं त्योहारों में एक तरीके से निकल के बाहर आती है, उसको इस बार रोकने की पूरी कोशिश की गई है प्रशासनिक अमले के जरिए, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा जो है इससे पहले कई जगह पर जहरीली शराब से कई सारी मौतें हुई है, इस बार उन ऐसे कोई मामले सामने ना आए, जिसकी वजह से प्रशासन ने पहले ही कमर कस रखी है। साफ तौर से प्रशासन का कहना है कि जो जितने भी मॉडल शॉप है जितने भी शराब के ठेके हैं उन पर जाकर के चेकिंग होगी, उनका जो जो माल है वो चेक किया जाएगा, क्वांटिटी जो है वो चेक की जाएगी। साफ कहा सकता है त्योहार से पहले जब जो निर्देश जारी हुए हैं उसके बाद अब जो अधिकारी हैं वो लगातार टीम बना करके जो साफ कहा सकता है अब कार्रवाई करेंगे और टीम बना करके एक शांतिपूर्ण तरीके से जो होली का महापर्व है उसको उसमें जो है अपनी भागीदारी निभाएंगे। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो होली और शबे बारात को लेकर चर्चा की जा रही है, जो अधिकारी हैं तमाम दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर खास नजर रखी जा रही है, इसके अलावा जो उप जिलाधिकारी हैं उन्हें भी तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो जहरीली शराब बिकती है होली के आसपास उसको लेकर भी पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है कि कहीं पर भी जहरीली शराब बिल्कुल भी बिकती हुई बनाई हुई ना दिखाई दे। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ते हैं तो मौर्य को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। चर्चा है कि अखिलेश के करीबी कुछ बड़े नेताओं ने फॉर्मूला पार्टी के भीतर रखा है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं है। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बंद कमरे में एक मुलाकात हुई थी। माना तो ये भी जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह की समीक्षा की गई है और साथ ही फाजिलनगर से स्वामी की हार के लिए बीजेपी के सोची समझी कैंपेन को वजह बताया गया। वहीं पार्टी के एक धड़े का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार करहल की सीट नहीं छोड़ेंगे और सदन में रहकर 2027 की लड़ाई के लिए बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर चुकी है। ऐसे में अगर संत कबीर नगर विधानसभा की हम बात करें तो जनता के वो कौन कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर वो मतदान करने गए, इसी पर हमारे संवाददाता हेमंत सिंह ने वहां की जनता से खास बातचीत की है, सुनिए। कबीरदास जी मगहर का मिजाज लेने बनारस से काशी से मगहर आए हुए थे और हम भी जो विधानसभा का चुनाव बीता है उसका जो है मगहर का मिजाज लेने मगहर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ मगहर की सम्मानित जनता और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चुनाव बीता है
वो किस मिजाज का था और मगहर के लोगों का मिजाज क्या था और किन मुद्दों पर लेकर मगहर की जनता ने अब की मतदान किया। हालांकि बीजेपी संत कबीर नगर में तीनों सीट जो है बीजेपी के खाते में गई है और लेकिन ये मगहर जो है कबीर की निर्माण स्थली है और ये एक संत कबीर नगर का नाम भी कबीर दास के नाम पे बड़ा है, तो इस वजह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मगहर का मिजाज पिछले विधानसभा चुनाव में क्या रहा। हमारे साथ इधर अवधेश सिंह जी हैं, पहले इन्हीं से जानते हैं कि आखिर मगहर का मिजाज क्या रहा आपकी चुनाव में। मगहर का मिजाज जो महाराज जी की सरकार थी उनके कार्य सबसे बड़े प्रभाव तो डाले मतदाताओं पे, ये जो उनका खाद्यान्न का था और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ने जो समूह योजना चलाई उसका प्रभाव मतदाताओं पे पड़ा। तो मगहर में तो कुछ विकास देखने को नहीं मिला, तो क्या फ्री राशन के मुद्दे पर ही अब की चुनाव हुआ है? जो महिलाओं जो समूह चलता है उससे महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और विकास का मामला हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे कबीर चौरे पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया मगहर के लिए, जबकि कबीर साहब से बड़ा समाजवादी कोई नहीं था, कोई चिंतक नहीं था, लेकिन इनकी सरकारें भी थी, समाजवादी की भी सरकार थी, किसी ने सुधी नहीं लिया। जब योगी जी आए तो उनको एक लगा कि ये एक चीज़ और दे जी, मगहर महोत्सव था जब से योगी जी आए तब से शायद वो बंद हो गया, वो कोरोना वरोना के चलते वो बंद है, महोत्सव होगा। गोरखपुर महोत्सव हुआ था, जब गोरखपुर महोत्सव हुआ था तब मगहर महोत्सव नहीं हुआ था, तब उसके पीछे क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, कुछ अधिकारी हम समझते हैं कि लापरवाही कही जाएगी, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि जो थे वो बीजेपी के थे, तो फिर अधिकारियों की लापरवाही हम कैसे? ऐसा नहीं है, वो आपस में कुछ यहाँ के हमारे कुछ लोग जो डिस्टर्ब करने का कार्य किए थे, लेकिन हम योगी जी की सरकार बनी है, मैं पुनः चाहूँगा कि मगहर महोत्सव जिस रूज पे था उसमें 4 चांद योगी जी लगावें और महोत्सव फिर हो। तो क्या उम्मीद नहीं है क्या क्या होगा? नहीं नहीं होना है, अब इस बार अब तक नहीं हुआ, उसके कोरोना का वो काल चल गोरखपुर महोत्सव में कोरोना नहीं, नहीं वहाँ भी इस बार नहीं था, तो गोरखपुर का महोत्सव पीछे हुआ था, बार भी नहीं हुआ गोरखपुर वाला, जब पिछले बार हुआ था तब यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ था। अरे आप झूठ क्यों बोल, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं हुआ था, इससे पहले वाला नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। आप दुरुस्त कर लीजिएगा पहले आंकड़ा। दूसरी चीज मगहर, अवधेश जी जो बात करें अगर मगहर की, तो मगहर की जो लोगों की दरकार थी वो पहली प्राथमिकता हुआ करती थी कताई मिल और गांधी आश्रम, तो क्या ये मुद्दे अब की बार नहीं चले क्या? नहीं, मुद्दा तो अभी चला, ऐसा नहीं है कि उस पर बैंकों का फाइनेंस है, जब तक वो क्लियर नहीं होता था तो गांधी आश्रम पे कितना उस पर भी है, उस पर उसको चलाने में क्या दिक्कत? उसको चलाने के लिए उनके वहाँ आपस का विवाद था इसलिए नहीं हो पा रहा था, वो भी उस रास्ते पर आ गया, हो सकता है विकास हो कुछ। हम लोग चाहेंगे कि गांधी आश्रम को भी सरकार की तरफ से एड मिले और उसका पूरे निर्माण हो सके। पीछे 5 साल की सरकार बीती है और 5 साल में कुछ जो है मगहर का विकास नहीं नजर। मगहर का तो विकास हुआ, हर सड़क पे गड्ढे नहीं, वो तो ऐसा है, वो स्थानीय कुछ कमियां रही हैं, कुछ विभागीय कमियां हैं जो चलता रहता है। मगहर के चेयरमैन काम नहीं कर पाई, काम करना, ये कैसे मैं कह दूं कि वो काम नहीं कर रही है? सड़कों पर कोई काम नहीं दिखा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट मगहर में नहीं, नगर पंचायत की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है? कहाँ हुआ, 5 साल में क्या हुआ? अरे भाई हो रहा है, हम सब दो फब्बारे खाली लगे हैं और कुछ नहीं हुआ, फब्बारे नजारद हैं बिल्कुल, कुछ तो लग रहा है, तो फब्बारे लगे हैं लेकिन वो भी हाथी के दांत दिखा। जो मुद्दे की बात होती थी तो स्थानीय स्तर को न लेकर के पूरे प्रदेश के मुद्दे को देखना चाहिए, हर जगह हर व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप उसको नापना चाहिए। मगहर का विकास नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन वजह क्या है भाई? मगहर का विकास नहीं हुआ वो अलग बात है, वजह हो सकता है कि अक्षम हो, पार्टी कभी कभी तमाम ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे देती है जो अपने को सक्षम दिखाते हैं लेकिन जब काम करने की क्षमता उनके जनता के बीच में जाते हैं तो क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्षमता का प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा कि केंद्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आपको कभी चौड़ा पर दिखाई देगी, प्रदेश की सारी स्कीमें जो भी जनता के हित में लागू की गई थी वो प्रदेश की जनता और मगहर को लाभ मिला है।
तो क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं थी उनके सारे बीजेपी की बैतरणी संत कबीर नगर में पार हुई है? एकदम सत्य माना जाए कि प्रदेश और केंद्र सरकार की बैतरणी के बदौलत ही, चूँकि हम विधानसभा में विधायक अपना चुनकर भेजते हैं, इसलिए हम यूपी सरकार की, यूपी भाजपा सरकार की नीतियों को प्रभावित होकर के देंगे। 24 में हम केंद्र सरकार की नीतियों पर देंगे। लोकल विकास के मुद्दे पर जब आगामी विधान लोकसभा चेयरमैनी का चुनाव आएगा, नगर पंचायत का चुनाव होगा, तो हम लोकल स्तर पर उसके क्षमता को देखेंगे और उस पर हम हमारी जनता और हमारे लोग वोट देंगे। जनता का मिजाज तो इलेक्शन की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा। तो क्या मानते हैं आपकी योगी जी की सरकार बन गई है, मगहर में कितने विकास देखने को मिलेगा? मिलेगा। योगी जी का अभी दो साल कोरोना जो खत्म हो गया, वो उसके बाद उनका फोकस ही है रोजगार देना। ठीक, रोजगार के लिए मगहर में कुछ लग रहा क्या? लगेगा वो हम, क्या लगेगा? हम लोग जो उनको कहा गया वो कताई मिल और ये हमारा जो गांधी आश्रम है, बुनकर बाहुल क्षेत्र है, इस पे उनका फोकस होगा, वो काम होगा। कुछ बात हुई है? अभी तो सरकार का गठन हो जाने दीजिए। पिछली सरकार में क्या प्रपोजल गए थे? हाँ, प्रपोजल गए थे, लेकिन लेट गए हैं, कोरोना के नाते उस पर क्रियान्वयन नहीं कर पाई सरकार। तो अब इस बार सरकार बन रही है, महाराज जी उस पर ही फोकस रहेगा, और जो पूरे प्रदेश में हल्ला था साँड़ फाँड़ ये सब, अब इस बार जो है प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी किया है कि उसकी सभी किसानों के हित में कार्य किए जाएं, अभी बिजली का बिल माफ़ कर दिए, तमाम योजनाओं का वो क्रियान्वयन कर रहे हैं तत्काल। अभी मतलब सरकार का गठन नहीं हुआ, उसके पहले ही अधिकारी सारे उनके घोषणाओं पर क्रियान्वयन के लिए अपनी कमेटी बैठा के कार्य कर रहे हैं। तो आपको लोगों को उम्मीद है कि योगी सरकार में मगहर का आपकी बार विकास जरूर? जो बिल्कुल बिल्कुल उसमें दो रहे ना, हमारे महाराज जी बगल के जिले के हैं, इसलिए विकास होना तो स्वाभाविक है। पीछे जो है सारी सड़कें, कोई डेवलपमेंट संत कबीर नगर में नहीं दिखा जब तक जो गोरखपुर में सब बन रहा है। आप पूरा देख रहे हैं, हर जगह रोड बन रही है। आप देखिए हमारे गाँव बगुआ से लेके वो बखीरा वाली रोड एकदम काम शुरू है। अभी तुरंत नहीं ना कि वो दाल भात का कौरा उठा खा लीजिए गप्पा से। तो ये मगहर का मिजाज है और मगहर के लोगों का मानना है कि जो सरकार आपकी बार एक बार फिर जो है डबल इंजन की सरकार से मगहर का विकास होगा और मगहर में रोजगार के साधन भी होंगे, सृजित होंगे, और जो पुरानी इकाइयां जैसे कताई मिल और गांधी आश्रम का मसला है मगहर में, वो भी चालू होगा और लोगों को एक जो है रोजगार के जो है साधन मिलेंगे और रोजगार की अवसर प्राप्त होंगे और मगहर का जो है विकास देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।